हेलो विभुन स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में इस वीडियो के थ्रू तो हम लोग जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है स्टार्ट करते हैं वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कोरल ड्रू इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बताइए कोरल ड्रू जो है ये किसका एग्जाम्पल है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डाटा सॉफ्टवेयर या फिर डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर बताइए कोरल ड्र्यू जो है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है भैया तो ये, ये जो है ये एग्जाम्पल है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का ठीक है अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट बार कोड सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय पहला बार कोड सिस्टम जो है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आप ज्वाइन कर सकते हो ऑप्शन हैं, जॉन बर्गर चार्ल्स बैबिज नॉर्मन जोसेफ वैंड या फिर डेविड ब्राडले ऑप्शन नंबर सी नॉमन जोसेफ वुडलैंड ठीक है अगला क्वेश्चन है वन निबल इज इक्वल टू वन निबल इज इक्वल टू कितना बीट्स होता है वन निबल इज इक्वल टू फोर बीट्स ऑप्शन नंबर बी ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड द शिफ्ट एंड अल्टरनेट कीज आर एग्जांपल ऑफ कीबोर्ड जो आप चलाते हो है ना तो उसमें जो शिफ्ट एंड अल्टरनेट की होते हैं उसको किस की से जानते हैं हम ये किस की के एग्ज़ाम्पल हैं न्यूमरिक फंक्शन मोडिफायर या फिर कर्सर मोमेंट तो भैया दीज कीज आर एग्जाम्पल ऑफ मोडिफायर की इसको जो है मोडिफायर की से जाना जाता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच अर्जुन अवार्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बताइए अर्जुन अवार्ड जो है इसको किस वर्ष इंट्रोड्यूस किया गया था ऑप्शन नंबर है नाइनटीन सिक्सटी वन में ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है इंडियन टीम के कैप्टन थे 1983 में भारत को वर्ल्ड कप भी जिताया है तो आपको बताना है इनको पद्मश्री से किस वर्ष सम्मानित किया गया था इन द नाइनटीन एटी टू okay. अगला क्वेश्चन है आपका बेसी बीसी अवार्ड इज अ डांस अवार्ड गिवन इन विच कंट्री बीसी अवार्ड जो कि है ये एक डांस अवार्ड है कौन से देश में इसको दिया जाता है यूएसए में ठीक है अमेरिका अगला क्वेश्चन है द अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड इज गिवन फॉर अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड जो है ये कौन सी फील्ड के लिए दिया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एनर्जी प्रोटेक्शन बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन या फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन टॉक अबाउट अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड तो ये अवार्ड जो है भैया एक इसमें दिया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ठीक है अगला क्वेश्चन है हु द फर्स्ट एक्टर टू विन द ऑस्कर अवार्ड ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले एक्टर कौन थे जेम्स मॉर्टाइम चार्ली चैपलिन वॉर्नर बैक्सटर या फिर एमिल जेनिंग ऑस्कर जीतने वाले पहले एक्टर कौन थे ऑप्शन नंबर डी आपके एम एल जेनिंग्स अगला क्वेश्चन है इन विच द पोस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्रिएटेड इन इंडिया बताइए जिसको कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यह पोस्ट भारत में कब क्रिएट किया गया था किस साल इन द ईयर 1998 एट ऑप्शन ए ठीक है अगला क्वेश्चन है तेलंगाना बिकम द ट्वेंटी नाइन्थ स्टेट ऑफ इंडिया इन विच ईयर तेलंगाना भारत का जो है उनतीसवां राज्य बना था किस साल वैसे अभी आपके टोटल ट्वेंटी एट स्टेट्स हैं और एट यूटी हैं लेकिन जब तेलंगाना राज्य बना था तो उस टाइम पे ये उनतीसवां राज्य बना था दो हजार चौदह में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एग्जाम्पल ऑफ मास मीडिया बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है मास मीडिया का एग्जाम्पल नहीं है रेडियो टेलीविजन न्यूज़पेपर, ये मास मीडिया का एग्जाम्पल है बट डोर टू डोर कैंपेन जो है ये मास मीडिया का एग्जाम्पल क्या है नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी डोर टू डोर कैंपेन इज द करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन है वेन वॉज द स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च इन इंडिया स्मार्ट सिटी मिशन जो है भारत में ये कब लॉन्च किया गया था स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें ना भाई ये आपका इन द ईयर टू थाउजेंड फिफ्टीन में लॉन्च किया गया था स्मार्ट सिटी मिशन चलिए अगला क्वेश्चन है इन मुद्रा योजना व्हाट डज एम स्टैंड फॉर मुद्रा योजना में बेसिकली एम का क्या मतलब है यहाँ पे मैंने एम का पूरा मुद्रा योजना के बारे में लिखा है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड री एजेंसी ठीक है इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है इन मुद्रा योजना व्हाट इज व्हाट डज आर स्टैंड फॉर तो आपको याद रखना होगा पूरा रीफाइनेंस ओके तो क्या हो जाएगा भैया करेक्ट माइक्रो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत आते हैं अगला क्वेश्चन है विश्व भारती वॉज अ फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वॉज फॉर्मड इन नाइनटीन ट्वेंटी विश्व भारती एक फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है इसको उन्नीस सौ इक्कीस में किसके द्वारा स्थापित किया गया था यह किया गया था स्थापित रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा अगला क्वेश्चन है हु हैड फाउंडेड द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया बताइए पहला वुमेन यूनिवर्सिटी भारत में किसके द्वारा स्थापित किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती राजा राम मोहन रॉय रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर ढोंडो केशव कार्वे सो द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय ऑप्शन नंबर डी ढोंडो केशव कार्वे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैक टू वेदास वॉज द स्लोगन ऑफ विच रिफॉर्म मूवमेंट देखिए वेद्स की और लोटो जो लोटो ये जो नारा दिया गया था ये कौन से मूवमेंट में दिया गया था कौन से आंदोलन में ये किसके द्वारा दिया गया था भाई स्वामी दयानंद सरस्वती तो स्वामी दयानंद सरस्वती में ने कौन से समाज की स्थापना की है ऑप्शन नंबर है बेसिकली आर्य समाज की की है तो आर्य समाज ही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है और यह भी याद रखिएगा कि बैक टू वेदास जो है कि वेद की और लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था हु द फॉलोइंग फाउंडेड द विडो री मैरिज एसोसिएशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा विडो री मैरिज एसोसिएशन स्थापित किया गया बालक सिंह बाबा हरदयाल शर्मा स्वामी विवेकानंद या फिर पंडित विष्णु शास्त्री पंडित विष्णु शास्त्री के द्वारा अगला क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द कूका मोमेंट कूका मोमेंट जो है कूका आंदोलन ये इसकी शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई बालक सिंह बाबा हरदयाल शर्मा गुरु गोविंद सिंह या फिर सतगुरु राम सिंह सतगुरु राम सिंह अगला क्वेश्चन है द रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी वॉज एस्टैब्लिश इन विच ईयर बताइए रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को किस वर्ष स्थापित किया गया था इसकी स्थापना कब हुई थी 1940 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है तो वीडियो कहीं पेंट करते हैं वीडियो अच्छा लगा और हिमाचल लग पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में